अखिल भारतीय आयुर्वेद महासम्मेलन भारतीय वैद्य समाज की मुख्य प्रतिनिधि संस्था है, जिसका उद्देश्य आयुर्वेद के द्वारा निरोगी समाज का निर्माण करना है। भारत के वैद्य संगठित हों, आयुर्वेद की शिक्षा को बढ़ावा मिले, आयुर्वेद के अनुसंधान कार्य को आगे बढ़ाने के लिए सतत प्रयास, जनसाधारण को आरोग्य की जानकारी मिल सके, आयुर्वेद का विकास प्रचार प्रसार हो, इसी उद्देश्य से आयुर्वेद पर्व का आयोजन अखिल भारतीय आयुर्वेद महासम्मेलन गत कई वर्षों से आयुष मंत्रालय के सहयोग से नियमित रूप से विभिन्न प्रदेशों में कर रहा है। इसी श्रृंखला में दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में 26 नवंबर शुक्रवार 2021 को माननीय आयुष राज्य मंत्री डॉक्टर मुंजपारा महेंद्र भाई के वीडियो संदेश द्वारा आयुर्वेद पर्व कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन संपन्न हुआ। 3 दिवसीय आयुर्वेद पर्व के इस समारोह का उद्घाटन करते हुए मुझे अत्यंत प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है। यद्यपि मैं प्रत्यक्ष रूप से आपके समक्ष नहीं, तथापि इस संदेश के माध्यम से मैं पूर्णतया स्वयं को आपके बीच महसूस कर रहा हूँ। पद्मश्री वैद्य राजेश कोटेचा जी मुख्य अतिथि के रूप में कार्यक्रम में स्वयं उपस्थित रहे। उन्होंने आरोग्य के देवता भगवान धन्वंतरी जी की प्रतिमा का माल्यार्पण एवं ज्योति प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। मंचाधीन सभी अतिथियों को शॉल स्मृति चिन्ह देकर उनका स्वागत किया गया। हम तो समझते हैं कि हमारा शास्त्र तो संपूर्ण है, हमें और ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी मन की बात में ये कहा कि जो नए जमाने का विज्ञान है उनकी समझ में आए, ऐसी भाषा में आपको अपने आप को फिर से प्रस्थापित करना होगा, एविडेंसेस जनरेट करने पड़ेंगे, करने चाहिए। व्हाट इज रॉन्ग इन इट। विशिष्ट अतिथि वैद्य मनोज नेसरी, सलाहकार आयुर्वेद आयुष मंत्रालय ने आयुष की स्वास्थ्य संबंधी चल रही योजनाओं, भविष्य की संभावनाओं के बारे में सबको अवगत कराया। और उसी के साथ साथ भारत सरकार जो है, आयुष मंत्रालय जो है, वो कई सारे उन्होंने कदम बढ़ाए हैं कि जो केवल हमने देश में नहीं विदेश में भी आयुर्वेद बढ़ाना है। और इसके लिए जितने भी उद्योजक है, ये एंटरप्रेनर्स है, जो हमारे जो वैद्य है जिनके हॉस्पिटल्स है, तो उनको अलग अलग देशों में जाके वहाँ जो पर जो एग्जीबिशंस होते हैं तो वहाँ पे पार्टिसिपेट करने के लिए आने जाने का जो खर्चा होता है उसके लिए भारत सरकार योगदान देती है कि ताकि आप अलग अलग देशों में जाएं, वहाँ पे जो आपका जो कौशल है वहाँ पे आपको आप उसको दिखाएं, आपका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको वहाँ पे दिखाएं और वहाँ के जितने भी फॉरेनर्स है वो फॉरेनर्स को आप यहाँ पे लेके आए। पद्मश्री पद्मभूषण वैद्य देवेंद्र त्रिगुणा जी अध्यक्ष अखिल भारतीय आयुर्वेद महासम्मेलन ने आयुर्वेद पर्व के महत्व के विषय में इससे जुड़ने के बारे में अपने विचार रखे। आयुर्वेद पर्व का महत्व यही है कि हम चाहते हैं कि इस आयुर्वेद पर्व के माध्यम से, पिछले तकरीबन कोई 5 साल से आयुर्वेद पर्व पूरे देश के अंदर मनाया जा रहा है, कि ताकि हम पब्लिक के साथ इस पर्व से जुड़ें, समाज में लोगों से जुड़ें, हम उनके निःशुल्क यहाँ चिकित्सा कर रहे हैं, निःशुल्क उनका निदान हो रहा है, यहाँ के आसपास के सब लोग यहाँ के दिखाएंगे, सब लोग एग्जीबिशन देखेंगे, फार्मेसीज को भी फायदा होगा, पब्लिक को फायदा होगा। गौरव का क्षण है कि हम सम्मानित करना चाहते हैं कुछ ऐसी विभूतियों को जिन्होंने आयुष और आयुर्वेद की विभिन्न पद्धतियों में अनुकरणीय कार्य किए हैं। इसी श्रृंखला में मैं आग्रह करूंगी डॉक्टर अनुपम श्रीवास्तव जी से, जो कि अभी निदेशक हैं राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ के। अनुरोध करती हूँ वैद्य अश्वनी कुमार शर्मा जी से, एक बहुत ही अच्छे चिकित्सक हैं और इस संस्था से बहुत प्रारंभ से जुड़े हैं और अपने अथक प्रयासों से इस संस्था को सदैव बल और कार्यों की कार्यान्वयन देने के लिए अपना पूरा परिश्रम करते आए हैं।
मैं आग्रह करती हूँ वैद्य ताराचंद शर्मा जी से कि वहाँ पधारें। बहुत ही उत्तम लेखक, बहुत सारी वैज्ञानिक पुस्तकें आयुर्वेद की उन्होंने लिखी हैं। आयुर्वेद का इतिहास, द्रव्य गुण विज्ञान, एक प्रतिष्ठित लेखक। मैं अनुरोध करती हूँ डॉक्टर राजेश शर्मा जी से कि वो आकर अपना सम्मान ग्रहण करें, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट UGPG डिपार्टमेंट ऑफ द्रव्य गुणा इन ANU तिब्या कॉलेज। इसी श्रृंखला में हम सम्मान करते हैं वैद्या श्रीमती वीणा हिमांशु शर्मा जी का, जो कि एसोसिएट प्रोफेसर हैं, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हैं शाला के तंत्र की। इसी श्रृंखला में मैं साक्षी शर्मा जी का नाम आपके सामने प्रस्तुत करूँ, जिन्होंने आज कितना अच्छा आपका प्रोग्राम दिया और प्रोग्राम देती रहती हैं और अनुसंधान में काम भी कर रही हैं। आयुर्वेद पर्व जो नाम है एंड द कॉन्सेप्ट इज ए यूनिक कॉन्सेप्ट, प्रोपेगेटिंग एंड प्रमोशन ऑफ आयुर्वेदा। PhD चैम्बर ऑफ कॉमर्स के चेयरमैन माननीय श्री प्रदीप मुल्तानी ने आयुर्वेदीय औषधि निर्माताओं की ओर से आयुष मंत्रालय द्वारा मिले सहयोग के लिए अपनी ओर से आभार प्रकट किया। आज हम ये देख रहे हैं कि जो हमारा आयुर्वेद महासम्मेलन है, एक ये बहुत ही बढ़िया रोल प्ले कर रहा है, और जिस तरह से अभी डॉक्टर दुर्गा प्रसाद जी ने बोला, एक यही संस्था है जो वास्तव में आयुर्वेदिक आयुर्वेद की चिकित्सा करती है, और 100% प्रैक्टिशनर जितने भी इनके 15,000 से ज़्यादा जो सदस्य हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा आयुर्वेद की प्रैक्टिस करते हैं।